हेलो गाइस, मैं हूँ यासीन और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में डोनट पाई चार्ट के साथ नीडल चार्ट कैसे बनते हैं एंड साथ में जो स्पीडोमीटर होते हैं वो स्पीडोमीटर कैसे बनते हैं। मैं इसमें आपको स्पीडोमीटर बनाया, एक कलर है, सेकंड कलर एंड थर्ड कलर, तीनों कलर में मैं स्पीडोमीटर बनाया। स्पीडोमीटर जो बनाया है, इस स्पीडोमीटर के अंदर है कि डोनट चार्ट है एंड नीडल पाई चार्ट है। ये जो है हमारा सेल्स वैल्यू, एंड सेल्स वैल्यू के बाद इसमें रहेगा सेमी वैल्यू एंड ब्लैंक। उसके बाद ये हो गया आपका डोनट चार्ट और नीचे का जो है ये नीडल चार्ट। पहला मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आप लोगों के पास हमारा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड शेयर कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो अभी क्या करूँगा, इसमें जो वैल्यू है ये वैल्यू अगर मैं चेंज करूँगा तो चेंज करेगा तो उसको वैल्यू के साथ चेंज होते होते जाएगा। अगर मैं इसको 20% डालूँगा चेंज हो जाएगा, अगर मैं इसको डालूँगा 10% चेंज हो जाएगा, अगर मैं इसको डालूँगा 95% 6% चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये चेंज होता ही जाएगा। अभी क्या करूँगा, मैं जस्ट इसको जो डाटा है डाटा को मैं कॉपी करके, चलो सॉरी, यहाँ पर मैं इसको दोबारा एक शीट ले लेता है। लेने के बाद यह भी क्या करूँगा, मैं इसमें डिलीट मारूँगा, इसमें डिलीट मार के दोबारा बना के दिखाऊँगा। अभी क्या करेगा, फर्स्ट क्या करेगा, इसमें जो है हमारा सेल्स वैल्यू इसमें से मैं लिया है और अभी डालेंगे सेमी वैल्यू हो जाएगा इजिकल टू। जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। यहाँ से मैं पहले क्या किया, अभी इजिकल टू लगाया, उसके बाद 100% माइनस सेल्स वैल्यू इंटर, देन ब्लैंक होना चाहिए। यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू है, सेमी वैल्यू है और ब्लैंक है, ये टोटल हमारा 150% होना चाहिए। तो अभी इधर 100% हो गया, अब यहाँ पे देना चाहिए 50%, मतलब सेल्स वैल्यू, सेमी वैल्यू एंड ब्लैंक तीनों को होना चाहिए 150%। अभी देखिए यहाँ पे 150% शो हो रहा है। अभी मैं फर्स्ट बनाऊँगा डोनेट चार्ट, उसके बाद ये नेक्स्ट बनाऊँगा। तो क्या करूँगा, जस्ट इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट में जाऊँगा इंसर्ट में जाके अभी मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट पाई और डोनेट चार्ट। यहाँ पे मैं डोनेट चार्ट चूज़ करूँगा। डोनेट चार्ट चूज़ करने के बाद अभी यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको फॉर्मेट में जाऊँगा। बाद में इसको मैं लूँगा 2%, यहाँ पे भी 2% डालूँगा। यहाँ पे लेने के बाद अभी क्या करूँगा, चार्ट टाइटल जो है इसको रिमूव करूँगा, डाउन साइड में जो अननेसेसरी थिंग्स है रिमूव कराऊँगा। अभी क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके मैं जाऊँगा फॉर्मेट में एंड शेप आउटलाइन में करूँगा, इसमें नो आउटलाइन। फर्स्ट एक चीज़ इसमें मैं करूँगा कि पहला जो चार्ट है हमारा जो व्यू है, व्यू में जाके मैं ग्रेड लाइन को रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद अभी क्या है, चलो ग्रेड लाइन इसमें रख दीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे, अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं जाऊँगा फॉर्मेट डाटा सीरीज। फॉर्मेट डाटा सीरीज में क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आया सीरीज ऑप्शन। सीरीज ऑप्शन में एंगल्स ऑफ फर्स्ट स्लाइस आपको इधर से लेना चाहिए 240 एंड डोनेट होल साइज लेना चाहिए 35 या 50 या 45, कुछ भी ले सकता। अभी यहाँ पर लेगा 45% लेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसमें लूँगा 45%। चलो 50% बेटर। अभी क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पे जो है ऊपर का जो है सेल्स वैल्यू है, ये जो कलर है सेल्स वैल्यू है, मैं पहले क्या करूँगा इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर दूँगा। इसमें मैं डालूँगा 75% सॉरी इसमें इज इक्वल टू यहाँ पे लाना चाहिए, इसको मैं डालूँगा 75%। ओके, अभी क्या करूँगा जी, यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू को मैं कलर लगाऊंगा सॉलिड ग्रेडियंट फील। ग्रेडियंट फील में आपको जो पसंद है उसके हिसाब से आप डालिए। मैं पहले लूँगा दिस ग्रेडियंट चूज करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे जाऊँगा डायरेक्शन में लूँगा यहाँ पे लीनियर लेफ्ट। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे जो सेमी वैल्यू है, यहाँ पे जो सेमी वैल्यू है 25% ये है सेमी वैल्यू 25%, इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे कलर पे करूँगा सॉलिड फील। देन यहाँ पे मैं जाऊँगा
वाइट बैकग्राउंड डार्क 5% इस कलर में सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो है जो ब्लैंक परसेंट 50% है, ए है 50%, ए 50% को मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा नो फिल। अभी क्या करूँगा, इसको मैं लगाऊँगा, इसको मैं अभी लगाऊंगा इसके ऊपर। अभी नीडल 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 पाइच अभी मैं नीडल में ले लूँगा यहाँ पे 0.5%। उसके बाद अभी जो ब्लैंक है, ब्लैंक को कैसे लेना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला है, जस्ट इज इक्वल टू 150% माइनस सम ऑफ दिस वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। यहाँ पे टोटल होना चाहिए 150%। यहाँ पे देखो सेल्स वैल्यू 75%, निडल हो गया 0.5% एंड ब्लैंक हो जाएगा 74.5, टोटल आ रहा है यहाँ पे 150%, यहाँ पे भी 150%। अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर निडल ऐड करूँगा, जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद सीधे एक डेटा में जाऊँगा, वहाँ पर जाने के बाद मैं जाऊँगा ऐड, ऐड में जाके यहाँ पे हो गया सीरीज टू में क्या करूँगा, सीरीज टू में जाके मैं जस्ट यहाँ पे आके सीरीज वैल्यू में ये रिमूव करके ये जो वैल्यू है ए वैल्यू में क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा, जस्ट ओके कर दूँगा। अभी क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके चेंज सीरीज डाटा में जाके मैं ले लूँगा डोनेट में, डोनेट को ले लूँगा पाई चार्ट, एंड पाई चार्ट को मैं कर दूँगा 700 एक्सेस, देन ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अभी यहाँ पे जो डाटा है, डाटा के ऊपर राइट क्लिक, सॉरी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो अभी यहाँ पे पोजीशन आ गया प्लॉट सीरीज ऑन प्राइमरी एक्सेस एंड सेकेंडरी एक्सेस। सेकेंडरी एक्सेस में क्या है, इसमें एंगल ऑफ फर्स्ट राइज इसमें लेना चाहिए 240। ओके अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू है इसको रिमूव करेंगे, इसको जस्ट नो फिल लगाएंगे, नीचे का जो है इसको भी नो फिल करेंगे, एंड नीडल जो है ये इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इसको जो शेप आउट लाइन है इसको नो ऑर्डर कर देंगे, एंड नीडल जो है अभी इसमें शो हो रहा है बट इसमें छोटा सा आ रहा है, तो अभी इसको थोड़ा इंक्रीज करना है नीडल को, तो जस्ट में मैं डालूँगा 5%। अभी नीडल यहाँ पे 5% हिसाब से आ गया। अब जैसे इसको जस्ट सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए मैं नीडल परसेंट को बढ़ा दिया। अभी इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसका कलर, सॉलिड पे लगाऊंगा एंड लगाऊंगा मैं दिस कलर, एंड अभी क्या करूँगा, जस्ट सॉलिड लाइन में जाके सॉलिड लाइन कलर भी वही डालूँगा सेम कलर, देन यहाँ पे अभी क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं करूँगा कि वेथ का जो है ये 1% होना चाहिए, 1%। ओके अभी क्या करूँगा, अगेन मैं इसको 0.5 प्रेस करूँगा, अभी चार्ट हमारा इस तरह आ गया। अभी क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को मैं शेप फिल को थोड़ा सा मैं इसको दिस कलर लगाऊँगा। ओके अभी क्या करेगा, जस्ट इसमें इंसर्ट में जाके यहाँ पे जाके अभी राउंड शेप लेगा, एक राउंड शेप बनाऊँगा, राउंड शेप जस्ट इसमें लगाएंगे 0.3, देन इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे शेप इफेक्ट में जाके इसको मैं प्रीसेट लगाऊंगा, प्रीसेट में दिस कलर लगाऊंगा, एंड दिस कलर शुड बी नो सॉरी दिस यहाँ पे जो शेप फील है, शेप फील दिस कलर हो जाएगा। अभी मैं इसको जस्ट कंट्रोल एक्स काट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट करने के बाद इसको मैं इसको सेटअप करूँगा, जस्ट यहाँ पे आप एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद अभी क्या करूँगा, इसमें मैं जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू परसेंटेज यहाँ पे लगाऊंगा, और सेल्स वैल्यू का जो राइटिंग है इसमें नीचे लगाऊंगा। अब क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे इंसर्ट में जाके अभी जाऊँगा मैं इंसर्ट वर्ड आर्ट, देन इसको मैं फिल ब्लैक को क्लिक करूँगा, देन इसको इसमें क्या करूँगा, मैं जस्ट इसमें सोर्स लगाऊँगा इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू 75%, देन इंटर दबाऊंगा, देन इसको मैं क्या करूँगा, जस्ट कंट्रोल एक्स काट करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, एंड देन इसको क्या करूँगा,
इसको बस नीचे लेके आऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड करके इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँगा, और इसका कलर जो है इसका टेक्स्ट फील सेम कलर डालूँगा। इसको थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, देन अभी मैं लगाऊँगा यहाँ पे सेल्स पेलो का नेम। अगेन मैं जाऊँगा इंसर्ट, देन इंसर्ट प्रोडक्ट, देन इसको मैं क्या करूँगा कंट्रोल एक्स यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं लगाऊँगा इज इक्वल टू एंड कनेक्ट करूँगा इसके साथ सेल्स वैल्यू के साथ, देन ओके करूँगा। यहाँ पे सेम इसको सर्कल के डार्क के नीचे लिखाऊँगा एंड इसको क्या करूँगा सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अभी हमारा एक चार्ट रेडी हो गया। अभी सेल्स वैल्यू में अभी आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी दो बार दबाएंगे, कंट्रोल डी कंट्रोल डी, देन क्या करना है यहाँ पे वन बाय वन सेटअप करना है। कंट्रोल डी देन कंट्रोल डी। अभी क्या करना है इसमें जो तीनों चार्ट है, अभी सेकंड चार्ट जो है इसको मैं कलर चेंज कर दूंगा। क्या करूँगा मैं फर्स्ट मिडिल को मैं 5% डाल दूंगा जस्ट चेंज करने के लिए। जस्ट नीडल को मैं यहाँ पे जो कलर है नीडल कलर मैं डालूँगा जस्ट सॉलिड फील, देन इसमें मैं डालूँगा दिस कलर, देन जाऊँगा मैं सॉलिड बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर में डालूँगा दिस कलर एंड दिस कलर मैं डालूँगा ऑल्सो यहाँ पे जाके सेक दिस कलर ऑल्सो दिस वन ऑल्सो दिस कलर। एंड अभी क्या करेगा इसको भी शेप में मैं जाके शेप को भी डालूँगा दिस कलर। अभी हो गया दिस नीडल चेंज, अभी हो गया इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जाऊँगा भी अगेन चेंज सीरीज चार्ट टाइप, देन मैं पाई चार्ट में जो सेकेंडरी एक्सेस ऑन है इसको रिमूव करके ओके कर दूँगा। अभी इसमें जो है इसका जो कलर है ये कलर को मैं डाल दूँगा ग्रेडियंट फिल, बट दिस ग्रेडियंट दिस ग्रेडियंट। ओके, देन अगेन मैं जाऊँगा राइट क्लिक देन चेंज सीरीज चार्ट टाइप, देन इसको फिर ऑन कर दूँगा, ऑन करके ओके कर दूँगा। हमारी सेकंड चार्ट ऑल्सो रेडी। अभी मैं जाऊँगा थर्ड चार्ट में, थर्ड चार्ट में क्या करूँगा इसको इसका कलर मैं ले लूँगा सॉलिड फील, बट इसका कलर मैं डालूँगा दिस कलर। देन इसका जो सॉलिड फील है सॉलिड फिल में भी मैं डालूँगा यहाँ पे दिस कलर, एंड देन यहाँ पे दिस कलर जो है ये भी मैं डालूँगा यहाँ पे फॉर्मेट जो है टेक्स्ट फिल देन दिस कलर। एंड सेल्स वैल्यू जो होता है सेल्स वैल्यू भी आपका आएगा सेल्स वैल्यू। अगेन मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद चेंज सीरीज चार्टर्टी में जाके इसमें मैं सेकेंडरी एक्सेस को रिमूव करके ओके करूँगा। देन इसको मैं क्लिक करके इसमें भी कलर में जाऊँगा ग्रेडियंट फिल, बट दिस ग्रेडियंट शुड बी दिस ग्रेडियंट and this color also this color। and अभी क्या करूँगा अगेन इसको राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट में जाके अगेन मैं पाई चार्ट को सेकेंडरी में एक्सेस करके ओके करूँगा। अभी एक चीज़ है, अभी नीडल परसेंट जो मैं 5% लिया इसको मैं 0.5% लगाऊँगा 0.5%। अभी हमारा चैट 100% रेडी हो गया है। अभी क्या करूँगा सेल्स वैल्यू जो है सेल्स वैल्यू में अगर मैं देखिए कुछ भी डाटा में डालूँगा उसके हिसाब से इसमें डाटा शो करेगा। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं 65% लूँगा तो 65 मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं डालूँगा 20% से इसमें शो करेगा, अगर मैं इसमें डालूँगा 100% तो इसमें 100% आ जाएगा। इट मीन्स हमारा चार्ट 100% सक्सेसफुल इज रेडी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, मैं जल्दी ही एक नया वीडियो के साथ वापस आऊँगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बढ़ा ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले।